ये बात हम पहले वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे, जब हमने अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पे हमने देखा था कि अकाउंटिंग की एक ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करना तब स्टार्ट करती है जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल सा मीनिंग आप समझ के चलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर काम कौन करता है? मैनेजमेंट वाले करते हैं। मैनेजमेंट वाले क्या करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इन सारे डेटा को ध्यान से देखने वाले हैं और इन डेटा के बेस पर कुछ ना कुछ आगे के लिए फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं। तो वो मैनेजमेंट रेडी करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, किसके बेस पर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इन सारे के बेसिस पर हम रेडी करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपने काफी सारे टॉपिक्स पहले भी कहीं भी कहीं स्टडी किए होंगे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये सब आपने कभी कभी स्टडी किए ही होंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जैसे सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है, और डेफिनेशन आप अपने आप एक बार देख लेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहली बात है कि ये क्या कह रहा है, कहता है कि जो हम पीछे से काम करते आए हैं किसके ऊपर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या था? प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल को फाइंड आउट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का टारगेट क्या था? टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करना। टैक्स अकाउंटिंग का क्या काम था? टैक्स को कंप्यूट करना। जो पीछे वाली जो भी अकाउंटिंग थी, उनके खुद के एक पर्सनल पर्पस से हम ऐसा कह सकते हैं, पर इन सब के पर्सनल पर्पस के बेस पर मैनेजमेंट वाले कभी भी फ्यूचर का अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, इन अकाउंटिंग के बेस पर क्या करते हैं? रेशो एनालिसिस रेडी करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेडी करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट रेडी करते हैं। तो ये सारे चैप्टर किसके अंदर आते हैं? कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में आते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बेस है, बेस कहां से है? इन अकाउंटिंग के बेस पर है। तो इन डेटा के बेस पर मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, इन सभी को जब रेडी करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ चुके हैं। यस, किस में आ चुके हैं हम? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ ईयर्स के डेटा के ऊपर भी काम कर सकते हैं, दो फर्म्स के डेटा को आपस में कंपैरिजन करा सकते हैं, कुछ आइटम्स को आपस में परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफी सारे मेथड हमारे सामने हो सकते हैं जिसके बेस पर मैनेजमेंट क्या करती है, फ्यूचर की कोई ना कोई डिसीजंस लेती है। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट द फाइनेंशियल डाटा इन सच ए वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। हम क्या करते हैं, फर्म की एक्टिविटीज को हम फ्यूचर में कैसे करने वाले हैं, कैसे होगा, ये सारी बातों को देखने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रेडी करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट भी हम कह सकते हैं। तो आई होप यहां तक का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रियलिटी में है क्या। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम ये सारी टेक्निक्स, ये सारे टूल्स टेक्निक्स को यूज करते हैं, पर हमारा जो आधार होता है वो आधार क्या होता है, ये वाली क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। इन्हीं के बेस पर ये टेक्निक्स को यूज करके मैनेजमेंट वाले फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ओके, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपको 12th के अकाउंट्स में देखने को भी मिल जाएंगे। बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फीचर्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फीचर्स हैं। तो फीचर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम बात आ रहे हैं कि इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन टारगेट है वो फ्यूचर के लिए है, हम भविष्य के लिए डिसाइड करते हैं। क्योंकि रियलिटी में देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग, इनके ऊपर काम हो चुका है। ये डेटा कौन सा था? पास्ट का,
बीते हुए समय का। अब बीते हुए समय के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ नई टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, और जब हम नई टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, इन टेक्निक्स को जब हम फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हमें फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके ऊपर जोर देता है, फ्यूचर के ऊपर ज्यादा जोर देता है। टेक्निक्स ऑफ सिलेक्टिव नेचर, ये कहने का क्या मतलब है कि जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं तो मैनेजमेंट के पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कि कौन सी टेक्निक्स को वो यूज करना चाहते हैं, जिसके हम हमारे फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्ट कर पाए, भविष्यवाणी कर पाए। तो मैनेजमेंट के पास ये सारी की सारी टेक्निक्स ऑलरेडी होती हैं। रेशियो एनालिसिस कह लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स में से मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमको कौन सी टेक्निक को यूज करना है। इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, टेक्निक्स ऑफ द सिलेक्टिव नेचर। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी टेक्निक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगली बात देखते हैं, establish the cause and effect relationship. establish the cause and effect relationship. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि अगर कोई चीज, कोई काम, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम कारण और परिणाम दोनों के अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यही होता है, वो लोग बहुत गहन तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि फ्यूचर के बारे में अच्छे से समझ पाए। तो डेफिनेटली ये क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट के अंदर एक संबंध स्थापित करता है। अगली बात है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड नोट द डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे खास बात यह है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन तो दे देगा कि हमने फ्यूचर में ये किया, ये किया, ये किया, इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है, बट डिसीजन आपको खुद ही लेने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन तो देती है पर कोई डिसीजन नहीं देता, डिसीजन आपको इंफॉर्मेशन के बेस पर खुद ही लेना पड़ता है। आगे बात आती है, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी चैप्टर्स के नेम बताए थे, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी टेक्निक्स हैं। ये एक स्पेशल टेक्निक्स है, स्पेशल टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। स्पेशल कॉन्सेप्ट कौन से, जैसे हमने 11th में स्टडी किए हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होता है। इसके अलावा काफी सारी टेक्निक्स भी होती हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। तो ये सारी टेक्निक्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कि नो सेट फॉर्मेट्स। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रेडी करते हैं तो हमारे पास कोई सेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स नहीं होते, हम अपना ही दिमाग लगाते हैं, कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे के डिसीजन ले लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब पहले से हमारे पास कोई डिसाइड नहीं होता कि हमको ऐसा ही काम करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपने ध्यान दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट ऑलरेडी हमको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट हमको पता है, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी में भी हमको पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में एज इट इज इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही रेडी करनी ही होगी, बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपलसरी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, पहले से कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं होता, बट हम फ्री होकर काम करते रहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। आगे वही बात आ रही है, नो स्पेसिफिक रूल्स फॉलोड। इसके अंदर कुछ स्पेशल या स्ट्रिक्ट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो नहीं करते, अपने ही दिमाग से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आ रही है प्योरली ऑप्शनल। यहां प्योरली ऑप्शनल का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रेडी करना कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे कंपनी में बैलेंस शीट को रेडी करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रेडी करना कंपलसरी होता है, वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंट को रेडी करना कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग काम करो ना करो, रेशियो एनालिसिस तैयार करो
उतना करो, ये कंपलसरी नहीं है। पर फिर भी कुछ कंपनी क्या करती हैं, कंपैरिजन करने के लिए, अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग काम करती है। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो भी टेक्निक्स है, टूल्स हैं, उसको फॉलो करना, मानना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब बात आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है। सिंपल सी बात है, अगर मैं हम सोच के चलें कि ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो डेटा किसका यूज करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करता है। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपका ऐसा ही काम तैयार नहीं हो जाता, आप पीछे वाले डेटा को यूज करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। तो इन सारे डेटा के बेस पर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करना स्टार्ट करते हो। तो कहता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है ना, वो है वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन पहुंचाना मैनेजमेंट को, विच इज यूजफुल फॉर द मैनेजर डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हमें मैनेजमेंट में काफी सारे डिसीजंस लेने होते हैं, काफी सारे डिसीजंस को लेने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहां पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अकॉर्डिंग काम करते हैं, और उसका फायदा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी हो जाता है। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इन सभी के डेटा के बेस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, ये क्या कह रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो दूसरा क्षेत्र है, जो दूसरा स्कोप है, वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बात भी मैंने आपको पहले ही भी बता दी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ काम करते हैं। जब सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वहां पर हमें टोटल कॉस्ट या पर कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट के बारे में पता चल जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का करंट ईयर का डेटा, प्रीवियस ईयर का डेटा, दोनों को मिलाकर या सिंगल ईयर के डेटा के बेस पर हम क्या रेडी करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेडी करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे भी रेडी की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे भी रेडी की जाती है, और देखा जाए तो हमारी टैक्स अकाउंटिंग के बेस पे भी रेडी की जाती है। फिर अगली बात आ रही है कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं बजटरी कंट्रोल को भी यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बजट होते हैं, डिफरेंट टाइम के हमारे बजट होते हैं। जब हम डिफरेंट टाइप के बजट्स को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। बजट्स आपके काफी सारे होते हैं, सेल्स बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, तो ये सारी बजट्स कहीं ना कहीं बजट्स के मेथड के अंदर आते हैं। तो इन बजट्स के बेस पर भी जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो थर्ड स्कोप है वो बजटरी कंट्रोल का भी है, इन्वेंट्री कंट्रोल का भी है। इन्वेंट्री के भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, लीफो फीफो, इनके बेस पर भी मैनेजमेंट काम करती है। अब जब मैनेजमेंट काम करती है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में कहीं ना कहीं ये इन्वेंट्री कंट्रोल का टॉपिक भी आ गया। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी बातें आ जाती हैं, रेशियो एनालिसिस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट स्कोप है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का भी है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग के अंदर आपको ध्यान होगा कि कहीं ना कहीं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी रेडी करते हैं, या एसेट्स और लाइबिलिटीज का जब हमको रिवैल्यूएशन करना होता है, पुनर्मूल्यांकन करना होता है, तो वो फायदा, वो बेनिफिट भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को मिल जाता है। तो ये हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र कौन कौन सा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं। अगला है रिपोर्टिंग, दिस इज ए वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये वाला रिपोर्टिंग वाला काम है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा एक बड़ा काम है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें मैनेजमेंट वालों को या लोगों को हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, इंडेक्स नंबर की फॉर्म में, रेशोस की फॉर्म में, स्टैटिकल टेक्निक्स की फॉर्म में, ताकि कोई भी मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो लास्ट स्कोप है वो है रिपोर्टिंग करना, सामने वालों को अपनी बातें समझाना। अब सब सामने वाले को जब आपने बात समझानी है तो कैसे समझा सकते हो, ग्राफ के थ्रू, कुछ पिक्चर के थ्रू, रेशो एनालिसिस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, या स्टैट की जो टेक्निक्स होती है उन टेक्निक्स के थ्रू। तो जब आप कुछ स्पेशल टेक्निक्स लगाते हो तो सामने वाला पर्सन आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो ये भी हमारा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक स्कोप है।
तो नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर होता है। इसके अलावा हमारे पास इंटरनल क्रोड कंट्रोल, अगर हमको अंदर की रिपोर्टों को देखना है, इंटरनल ऑडिट करना है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में आ जाती है। फिर मेथड्स एंड प्रोसीजर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नेक्स्ट स्कोप ये भी है कि इसमें हम काफी सारी इकोनॉमिकल सिस्टम को लेके चलते हैं और काफी सारे मेथड और प्रोसीजर को फॉलो चलते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हमारा जो काम है फ्यूचर के लिए वो थोड़ा स्मूथ होता रहे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक क्षेत्र ये भी है कि इसमें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को प्रोसीजर को लेके चलते हैं। वो इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्यूचर का काम होता है वो बहुत आसानी से या स्मूथ रनिंग में हो सकता है। तो ऑफिस सर्विसेज हमारा एक लास्ट टॉपिक है, किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन ए स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कंट्रोल द ऑफिस सर्विसेज। जब एक छोटा सा बिजनेस हम कर रहे होते हैं तो छोटे से बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट क्या चाहता है, हमारे बिजनेस की सर्विसेज को और जितने भी ऑफिस के काम है उसको मेंटेन करना चाहता है और कंट्रोल करना चाहता है। तो इसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग, फाइलिंग और कॉपिंग, कॉपी करने का काम, कम्युनिकेशन का काम भी आता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक छोटे बिजनेस में भी काम आता है। तो इसका कहने का क्या मतलब, इसका कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि बड़े बिजनेस में ही काम आता है, छोटे बिजनेस में भी काम आता है। छोटे बिजनेस में कैसे काम आएगा, क्योंकि जो अकाउंटेंट होता है ना, अकाउंटेंट भी चाहता है कि मेरे ऑफिस के कामों को मैं ढंग से मैनेज करूं। ढंग से मैनेज करने के अंदर वो क्या करेगा, डेटा प्रोसेसिंग करेगा, फाइलिंग काम करेगा, कॉपिंग का काम करेगा, कम्युनिकेशन का काम करेगा, ये सारे के सारे काम वो करता है। तो ये टॉपिक हमने कौन सा कवर किया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है। आगे है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या फंक्शंस है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, डेटा को कलेक्ट किया है। अब वो डेटा आएगा कहां से, डेटा आएगा कहां से, डेटा आएगा हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प से, इन सारे सोर्सेज से, इन सारे स्रोतों से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फिर कुछ एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक उसको कवर करते हैं, उसके ऊपर फिर हम कुछ रिपोर्ट प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टॉपिक था लगभग हमारा कवर हो चुका है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही अगर हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं, जो आपके सिलेबस में आपको कहीं ना कहीं स्टडी करने को मिलेगा, वो यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का काम किया है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक मैंने एक बार आपको गो थ्रू कर दिया है, फिर भी मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, टैक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सभी के डेटा के बेस पर काम करता है। हमको दूसरी अकाउंटिंग के डेटा के ऊपर काम करना होता है, ये डेटा के ऊपर काम कौन करता है, मैनेजमेंट वाले करते हैं। और कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, काफी सारी टेक्निक्स हैं जो आपको आगे भी स्टडी करने को मिलने वाली है। तो ये जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में, ये यूज करनी किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपल्सरी नहीं है। सबसे पहली बात तो हमको यही समझनी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम टेक्निक्स को यूज करते हैं, ये रेडी करनी कंपलसरी नहीं होती। बट रेडी कौन करता है, मैनेजमेंट वाले। किस लिए? खुद की सहूलियत के लिए। खुद की सहूलियत के लिए क्यों? क्योंकि हम कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझना चाहते हैं, तो इसीलिए हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक ऐसा समझ लो कि हमारा छोटा सा था, हमने कवर कर दिया, यहीं पर फिनिश कर दिया।